बुशरा बीबी पेशावर में क्यों जाके वो मोर्चा जन हुई, बनी गाला में रहना क्यों नहीं पसंद किया, या लाहौर जमान पार क्यों नहीं गई? पेशावर में सिर्फ सरासीमगी से, हैरेसमेंट से, नाजायज गिरफ्तारियों से बचने के लिए वहां गई है। यहां इस्लामाबाद में या पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद और खवातीन का रहना जो है इन्होंने दोबर किया हुआ है। खुद मैं अपनी मिसाल दे सकता हूं कि बार बार के चापों और घर में घुसने से तंग आके अब आले खाना को मैंने बैरून मुल्क रखा हुआ है। तो लिहाजा बुशरी बीबी जो है अपना घर था यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई चादर चारदीवारी का तकद्दस तो है ही नहीं, कानून की पामाली रोजमर्रा का मामूल है। कम अज़ कम ये तो नहीं होगा कि जब भी इनका मूड उठाए या 3 MPO लगा दे या कोई नया केस जो है, तो लिहाजा KP में फिर वक्त जो है एक तहफ़ुज़ होगा, क्योंकि वहाँ इस तरह की क्या कार्रवाई करना सियासी इनके मुलाकातें लिए करेंगी बीबी? नामुमकिन है। बीबी सियासी मुलाकातें करेंगी वहां, बीबी सियासत साहबा में जो एक्टिव है, रहेंगी? देखिए देखिए, खान साहब ने जब बैरिस्टर गौर साहब को नॉमिनेट किया था, उस वक्त में उस मीटिंग में मौजूद था जेल में। खान साहब ने उस वक्त बबांगे दाहल कहा था कि जी कोई मेरे घर का, मेरे आले खाना से कोई भी फर्द खातून जो है वो सियासत में ना आएगी, ना कोई उम्मीदवार होगी, ना उनका कोई सरोकार है। तो लिहाजा बुशरा बीबी जो है नाजायज नौमा उन्होंने गुजारे। अब जब रिहाई हुई है तो एक नया कि जी सियासी कमेटी की जो है सरबराई की, ये सारी जो है अफवाहें हैं और सिर्फ पेलाई जा रही है ताकि उसके जो किरदार को जो है, उसके फिक्र को या उसकी शख्सियत को जो है सियासी तौर पे भी मुतनाज़ा बनाया जा सके।